साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ प्राशिक्षा केंद्र के साथियों के साथ साथ प्रथम एनजीओ हैं, उनके पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो एफएलएन मेला के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और प्राशिक्षा केंद्र में एएमडी के रूप में श्रीमती उमा महेश्वरी ज्वाइन किए हैं, आपका भी स्वागत है। आज जिस विषय को हम चर्चा करेंगे, जिस विषय के लिए रणनीति बनाएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि एफएलएन टारगेट्स अचीव करने के लिए मध्य प्रदेश में 3 साल से जो प्रयास लगातार हो रहे हैं और जिसका आप सभी साक्षी हैं, वो टीचर हैंडबुक हो, चिल्ड्रन वर्कबुक हो, टीचर ट्रेनिंग की बात हो, या बेसलाइन और बाकी टारगेट सेटिंग की बात हो, वो सभी आप जानते हैं। जिस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा दल जुड़ा हुआ है। मैं अभी देख पा रहा हूँ प्रथम से रुक्मिणी बैनर्जी मैडम भी ज्वाइन कर लिए। मैडम, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, इस माह 14 तारीख को हम जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसके बारे में लिखित में इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं, लेकिन उसको करना क्या है, प्रभावी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इन मुद्दों को आपके साथ साझा करने के लिए आज पूरा टीम प्राशिक्षा केंद्र में बैठा हुआ है। मैं शुरुआती तौर पर कुछ मुख्य मुख्य बिंदु पे बात करूंगा, बाकी विस्तार से टीम जो बैठा हुए वो बात करेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अंत में भी फिर एक बार उन सभी चीजों को समअप करूं। देखिए, जैसे एफएलएन में मैंने जैसे कहा, वो मटेरियल डेवलपमेंट का, वो टीचर को ट्रेनिंग देने वाली बात हो, बेसलाइन की बात हो, टारगेट सेटिंग की बात हो, एक मुख्य जो घटक है, एक मुख्य जो कंपोनेंट है जिसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, वो ये है कि पेरेंटल एंगेजमेंट, अभिभावक को किस तरह से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सके, उसका समझ बढ़ा सके, और उसका समझ, समुदाय का समझ, परिवेश का समझ, एफएलएन टारगेट्स अचीव करने के लिए किस तरह से हम एक साथ लेके आए। मैं कई मौके पे इस बात को कह चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट करूंगा। वो ये है कि हम पढ़ाई केवल किताब से होती है और पढ़ाई केवल स्कूल के कैंपस में होती है, ये जो मिथ है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। अर्थात पढ़ाई किताब के बिना भी वो हो सकती है, लेकिन समझाने के टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, और पढ़ाई स्कूल के बाहर समुदाय में, परिवार में भी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हम ये लक्ष्य है कि कक्षा एक का बच्चे को 1 से 20 तक का गिनती अंकों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो उसमें बच्चे को मदद नहीं कर पाएगा। हर वो परिवार बच्चे को अंकों का, भले वो डिकोडिंग टेक्निक नहीं जानते होंगे, वो भी वो उसका प्रपोर्शन भी बहुत कम है, बट उनको संख्या पता है, ज्ञान पता है, इसमें इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है, ये पता है, पहला बात। दूसरी, जब हम न्यूमरेसी की बात करते हैं, अंकों का समझ और अंकों का डिकोडिंग के अलावा बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज है, छोटा बड़ा हो, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा है, कौन सा नजदीक, कौन सा दूर है, जो एक तरह के दिखने वाले पैटर्न की बात हो, कलर्स का बात हो, ग्रुपिंग की बात हो, सेग्रीगेशन की बात हो, ये सभी चीजें जब आपको पूरा जो एफएलएन का घटकों पे चर्चा होगी, उस समय इन सब पे विस्तृत चर्चा होगी। मेरा केवल इतना कहने का तात्पर्य ये था कि
ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई परिवेश नहीं होगा जो इन चीजों को रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करता होगा। तो साथ ही लिटरेसी की जहां तक बात है, लिटरेसी में प्री लिटरेसी स्किल्स भी है भाई। डीकोडिंग राइटिंग बात की बात है, डीकोडिंग राइटिंग को एनरिच करने के लिए बच्चे को बोलना आना चाहिए, बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ना चाहिए, अब बच्चे को सुन के समझने वाली चाहिए। वो समाज और परिवार, माता पिता, बड़े भाई, बुजुर्ग के साथ ये सभी कला है, ये सभी कॉम्पिटेंसीज हम बच्चों में ला सकते हैं, बच्चों में इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम परिवार को समाज को ये नहीं बता पाएंगे, कि उनको भी नहीं समझ में आएगा कि बच्चे को कैसे एंगेज करना है, तो FLN मेला ये दो तीन प्रमुख जो उद्देश्यों को लेके चला है। सबसे पहले पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चा कक्षा दूसरी में है तो उसको क्या आना चाहिए, संख्या में क्या आना चाहिए, मैथ्स में क्या समझ होनी चाहिए, कितना स्पीड से या कितने तरह का टेक्स्ट वो पढ़ लेना चाहिए, पहला। दूसरा, उसमें मैं कैसे मदद कर सकती हूं या कर सकता हूं। ये दोनों उद्देश्यों को लेके FLN मेला का ऑर्गेनाइज हम 14 तारीख को कर रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं एक जगह जाके देखा, सज्जन को मैंने रिक्वेस्ट किया था, जब ये बताते थे मुझे कि प्री स्कूल रेडीनेस मेला, FLN मेला, ऐसे अलग अलग नामों से इसको जाने जाते हैं, मैंने स्वयं जाके देखा, मुझे आइडिया, उसका पूरा माहौल इतना अच्छा लगा। मैं पिछली बार आके हमारे साथियों से कहा था, यार ये बहुत ही अच्छा है, हमको जून जुलाई में कराना चाहिए। जून जुलाई में कई कारण से हम नहीं करा पाए, बट अभी लकीली मौसम भी बहुत अच्छा है, ज्यादा धूप नहीं है, सभी जगह हम इस बार जितने प्राथमिक शालाएं हैं, 80,000 का लगभग हमारे प्राथमिक शालाएं हैं, सभी शाला कैंपस में एक साथ ये मेला ऑर्गेनाइज होगी, जिसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होगी। केवल मैं इतना आप सभी से आग्रह करूंगा, तीन बातों पे इसका पूरा का पूरा सफलता एक तरह से निर्भर है। वो बात ये है कि हम लोग कितना अच्छे से एज ए सिस्टम तैयारी करते हैं और एज ए सिस्टम समझते हैं। अगर हमारे टीचर्स को, हमारे CACs को, BRCs को, BSCs को, APC, DPC, DIET, सभी को एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये है क्या चीज, पहली बात, और हम उसको ओन करना चाहिए। देखिए, ये वन ऑफ द एक्टिविटी नहीं है, एक बार कर लिया भूल गया, ये आप उसी फ्रेमवर्क में समझिए जो हम FLN के लिए जितना प्रयास 2 साल से कर रहे हैं, ये उसी फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। उस फ्रेमवर्क में आप उसको समझना चाहिए, हाँ, कि भाई जितना प्रयास कर रहे हैं उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, पहला उसको ओन करने की बात हो गई, उसको समझने की बात हो गई, दूसरा डाउन द लाइन कितने अच्छे तरीके से मैं उस कॉन्सेप्ट को, उस गतिविधि को समझा सकता हूं। जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप गतिविधि को समझा पाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आप कितना अच्छे से पेरेंट्स के साथ, समुदाय के साथ संवाद बना के रखेंगे। अगर हमने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा तैयारी कर लिया, सब कर लिया, मैंने पेरेंट्स से संवाद नहीं किया, उनको वहां आने तक मैंने कोशिश नहीं किया, इतना बड़ा प्रयास विफल हो जाएगा। तो एक, सबका समझ विकसित करना सबका जिम्मेदारी है। आज पहला ये हो रहा है, इसी तरह का छोटे छोटे ग्रुप में आप ब्लॉक स्तर, जिले में, ब्लॉक में, देन क्लस्टर में सबके साथ बताएंगे। दूसरा, जो उसको उतने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और पेरेंट्स के साथ संवाद बना के रखे, उनको लेके आएंगे। जब डिटेल से बात होगी आपको समझ में आएगा, ये कोई खर्चे वाली बात नहीं है, जो कार्ड्स है वो हम बना के आपको दे रहे, आपके स्कूल में पहुंच गए होगा। अगर
किसी कारणवश कहीं नहीं पहुंचा है, तो जो मुझे सुन रहे डीपीसी बीआरसी तत्काल उसको देके हर स्कूल में ये पहुंच गया, ये आप निश्चित कर लीजिएगा। उसके अलावा ज्यादातर रिसोर्स आप अपने परिवेश से उठाएंगे, अपने परिवेश से लेके आएंगे, ताकि पेरेंट को भी ऐसा नहीं लगे कि अरे मुझे ये सिखाना है तो मुझे और कोई चीज चाहिए, और कोई चार्ट चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको भी। अच्छा है, अरे ये तो हमारे किचन का जो सब्जी है, गांव में मिलने वाला चीज है, इससे भी मैं सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ, ये भी समझ बढ़ाने आवश्यकता है। और फाइनली जिस दिन इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे, जिस काम को सफल बनाएंगे, वो रहेंगे आपके वॉलेंटियर। हमारे कॉन्टेक्स्ट में वॉलेंटियर कौन है? हमारे बड़े कक्षा के बच्चे हैं, बड़े कक्षा के बच्चे, सातवीं के आठवीं के जो होशियार बच्चे हैं, वही बच्चे वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे। उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैं ये दो गतिविधि मैंने संचालित किया, या मैं रजिस्ट्रेशन में बैठा था या बैठी थी, मैंने ये लिटरेसी वाले सेक्शन में बैठा था या बैठी थी, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं इस काम को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा मैंने यहाँ एक गांव में देखा था, जब 80,000 शाला कैंपस में ऐसे कार्यक्रम चलेगा, निश्चित रूप से उसका एक पॉजिटिव मैसेज और पेरेंट्स के बीच में उसका एक समझ, और हमारा और पेरेंट्स के बीच का एक जो एंगेजमेंट है, ये सभी विकसित होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। डिटेल्ड चर्चा प्रेजेंटेशन होगी, और टाइम अलो करेगा तो मैं दोबारा आपके साथ हाजिर होके उसको समअप करने का कोशिश करूंगा। पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिस तरह से हम हर वो अभियान, हर वो गतिविधि बहुत ऊर्जा के साथ, मीनिंग के साथ करते आ रहे, उसी तरह से आप करेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। मैं पुनः प्रशिक्षण केंद्र के सभी साथी जो लोग इस काम में लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्रथम के सभी साथियों को स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस इतना बड़ा काम में 80,000 स्कूल्स, 16,00,000 बच्चे उस दिन इस गतिविधि में भाग लेंगे, उतना ही पेरेंट्स भाग लेंगे, एक बहुत बड़ा शिक्षा का माहौल बनाने में हम सब सफल रहेंगे। पुनः आप सभी को धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू सो मच।